हम सभी को शहद खाना बहुत पसंद होता है और ये हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। हमें शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अंदर अनेक औषधीय गुण होते हैं और आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें शहद खाना चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। मार्केट में हमेशा इसकी मांग बहुत बनी रहती है, तो इसकी मांग के चलते हुए मार्केट में हमें बहुत सारा मिलावट वाला शहद देखने को मिलता है, जिसके अंदर चीनी की मिलावट होती है या फिर और भी अनेक तरीके हैं। इसमें स्वाद तो शहद वाला होता है, लेकिन उसके अंदर गुण शहद वाले एक भी नहीं होते। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाला ही शहद खाना चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता शहद हमें कहाँ से मिले? या तो हम अपने आसपास कोई ऐसी मधुमक्खियों का छत्ता देखें, उसको तोड़ें। अगर आपके पास वो वाला शहद उपलब्ध नहीं है, तो आप एक अच्छा शहद मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो कौन सी मार्केट से लें या फिर किस किसान साथी से लें, उसी के बारे में ये वीडियो है। हमारे साथ हैं विनय फोगाट जी। ये बहुत ही पुराने मधुमक्खी पालक किसान हैं। लगभग सन 2000 से इनके पिताजी ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया था और तभी से ये अच्छी गुणवत्ता वाला शहद पब्लिक को उपलब्ध करा रहे हैं। विनय फोगाट जी ने लगभग कई साल पहले अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त की थी मैकेनिकल से, और इन्होंने जेई की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ही चुना, ताकि सभी साथियों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला शहद खिलाया जाए। इनसे हम मिलते हैं, इनके शहद की क्या खासियत है, कैसे शहद ये बनाते हैं, क्या इनके शहद में भी किसी तरह की प्रोसेसिंग होती है या फिर डायरेक्ट रो हनी ये हमें उपलब्ध कराते हैं, सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। इसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, दूसरे साथियों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। नमस्कार विनय जी। नमस्कार जी। जितने भी दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, उन सभी को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने करीब 2012 में मैकेनिकल से बीटेक की थी। उसके बाद गुड़गावा में एक MNC कंपनी में JEE की नौकरी की कुछ समय के लिए। वहाँ मन नहीं लगा तो मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में आया, और आज मेरे पास करीब 1150 मधुमक्खी पालन के बॉक्स हैं, और उनसे मैं करीब 14 प्रकार का शहद निकाल रहा हूँ, जिसमें एक कोम्ब हनी है और यूकलिप्टस है, सरसों है, शीशम कीकर, नीम, मल्टीफ्लावर, जामुन, अजवाइन, पहाड़ी कीकर और वाइल्ड फॉरेस्ट हनी व कश्मीरी अकेशिया व कश्मीरी मल्टी। इन सभी शहद का हम उत्पादन कर रहे हैं और साथ में एंड कंज्यूमर तक सीधा पहुंचा रहे हैं कुरियर के माध्यम से। तो ये बताओ कि जो आपका शहद है और मार्केट वाला जो शहद है, उसमें क्या फ़र्क होता है? छिल्लर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो शहद उपलब्ध है वो लगभग सभी को लाल रंग का दिखाई देता है। उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लाल रंग के शहद में कॉर्न सिरप, राइस सिरप, इन्वर्ट शुगर, चाइनीज सिरप, ये सभी चीज़ों की मिलावट होती है। वो इन्वर्ट शुगर ही है एक तरह से, जो आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है। शहद को आयुर्वेद में बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक चीज़ का नाम है जैसे पथ्य, पथ्य का मतलब होता है वो खाने पीने की चीज़ें जो एक रोगी को दी जाती हैं या एक स्वस्थ आदमी को दी जाती हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य बरकरार रहे, तो उसके अंदर शहद का बहुत बड़ा महत्व है। और वर्णन है आयुर्वेद में, जैसे आपने सुना होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार रक्षणम। तात्पर्य यही है कि रोगी को खाने पीने की चीज़ों से ठीक किया जा सकता है, वह स्वस्थ मनुष्य को ठीक कैसे किया जा सकता है या रखा जा सकता है, तो पथ्य का आप पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके अंदर जो मार्केट में उपलब्ध है उससे आपके शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और शहद को वैद्य बताते हैं कि इस दवाई को शहद में लेना है, वो इसलिए बताते हैं कि शहद जिस भी चीज़ के साथ लिया जाए उसके गुणों को 10 से 12 गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और वहीं पे उस दवाई के साथ मिलावटी चीज़ लेंगे तो वो दवाई के गुणों को भी बढ़ाने के बजाय घटा देगा। तो आपको जो है किसान से ही शहद खरीदना चाहिए और हमेशा रोहनी खरीदना चाहिए, क्योंकि रोहनी में वो सभी चीज़ें हैं, जैसे कि पोलन जो होता है शहद के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। पोलन जो होता है पराग कण होते हैं, फूलों पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं मधुमक्खियाँ उसको जो है
अपने पैरों में टोकरियों में भर के लाती हो और शहद में मिलाती हैं। और एक नॉर्मल मधुमक्खी पालक के शहद में करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख पोलन काउंट होते हैं 100 ग्राम शहद में, जबकि मार्केट में जो शहद उपलब्ध है वह नकली है, मिलावटी है और उसके अंदर पोलन काउंट करीब नाम मात्र ही होते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। उसमें 90% चाइनीज सिरप कॉर्न सिरप है और 5 से 10% ही शहद पाया जाता है उसके अंदर, जो कि गाइडलाइन को फॉलो किया जा सके उन पर खरा उतरे। और एक मधुमक्खी पालक का शहद हमेशा अलग अलग तरह के फूलों से निकाला जाता है, क्योंकि प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। जैसे नवंबर से फरवरी तक सरसों के फूल खिलते हैं, फरवरी से मार्च तक सफ़ेदा जो यूकलिप्टिस नहरों पे होता है उसके खिलते हैं, फिर शीशम चलती है, फिर कीकर चलती है, फिर जांडी चलती है, मल्टी फ्लावर चलता है। तो उसी तरह प्रकृति में संतुलन बना हुआ है, जिस भी चीज़ के फूल खिलेंगे मधुमक्खी पालक उन फूलों को ज़्यादा मात्रा में उसको कहाँ मिले वहाँ पे अपनी मक्खियों को माइग्रेट करता है। वो एक से दूसरी जगह हो सकता है, वह एक से दूसरे राज्य में हो सकती है, जिससे कि अलग अलग तरह के रंगों का शहद वो आसानी से निकाल सकता है। जैसे मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये सफ़ेद रंग का शहद सरसों के फूलों का है, जो कि लगभग 95% भारत से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि जो शहद जम गया वो नकली है, मिलावटी है। शुद्ध शहद के शुद्ध होने की सबसे बड़ी पहचान उसका जमना है। असली शहद जम के खुद को सुरक्षित कर लेता है कि वो 100-200 सालों तक या 1000 साल तक खराब ना हो, जबकि लोगों में या जनमानस में यह भ्रांति बैठी हुई है, कंपनियों ने बैठा रखा है उनके दिमाग में कि जम गया तो नकली है, मिलावटी है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए वो शहद में मिलावट करते हैं ताकि वो जमे ना, जिससे लोगों की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होता है। भगत साहब, अब ये बताओ कि असली शहद की पहचान कैसे करें जो आम पब्लिक होती है? आपको तो जैसे पता है, हमारे जैसे को नहीं पता, तो कोई भी शहद खरीद लें या फिर कहीं से उनको मिल जाए तो असली नकली की पहचान कैसे करें, इसके बारे में बताओ। देखिए जी, सबसे बड़ी पहचान तो ये है, आपको कहीं से भी जमा हुआ शहद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई पहचान नहीं है शुद्धता की। जैसे ये देख रहे हैं सफ़ेद शहद जमा हुआ है, ये देखिए सफ़ेद शहद ये भी जमा हुआ है। तो जहाँ से भी जमा हुआ शहद मिले उसका आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मिलावट ना के बराबर है, मिलावट की गुंजाइश 0% है। और दूसरा तरीका है, आप जो है जो आपने शहद ख़रीदा है उसको लीजिए और एक चम्मच शहद, आप ये देखिए ये तार बन के सारा चम्मच में आ रहा है, आप करीब एक चम्मच शहद लीजिए और उसको ये देखिए, ये तार जो है ऐसे बना दिखाई देगा, बिल्कुल साफ जो है आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं असली शहद, ऐसे तार बन के सारा नीचे बैठ जाएगा। उसमें अगर मिलावट होगी तो सारा पानी में फैल जाएगा, नहीं तो जैसा आपने अभी देखा है तार बन के नीचे बैठ जाएगा। और ये शहद 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही जमा हुआ बैठा रहेगा स्तह पे, जब तक आप इसको चम्मच से नहीं मिलाएंगे, नहीं घोलेंगे। और एक तरीका और है इसको टेस्ट करने का, जैसे आप जो है एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उस पर जो है थोड़ा सा शहद उड़ेलिए, जैसा ये मैं उड़ेल रहा हूँ। शहद को उड़ेलने के बाद करीब 1 मिनट बाद या आधी मिनट बाद जब उसको आप फाड़ेंगे तो वो सूखे कागज़ की तरह फटेगा, कागज़ गीला नहीं होगा और शहद जो है मोती की तरह एक जगह पर रखा रहेगा। अब 1 मिनट हो चुकी है और मैं इसको अब फाड़ रहा हूँ, तो आवाज़ को महसूस कीजिए, ये देखिए नीचे की तरफ भी सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखे कागज़ की तरह फटा है। तो ऐसे शहद में मिलावट की गुंजाइश 0% है। तीसरा तरीका, शहद जो है पचा पचाया होता है, बहुत ही पौष्टिक आहार है, इसको कुत्ता कभी नहीं खाता, इसको खाने से उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, क्योंकि उसका पाचन तंत्र हार्ड होता है। जैसा हम आपको अब दिखा रहे हैं, हम लाइव दिखाएंगे, कुत्ता उसको सूंघ के छोड़ देगा, खाएगा नहीं। साथियों, असली शहद वो कुत्ता कभी नहीं खाता, ये देखिए हमने शहद रखा है थोड़ा सा और कुत्तों ने इसको नहीं खाया, सूंघ के छोड़ दिया है, असली शहद कुत्ता कभी नहीं खाता। और जैसा आप देख रहे हैं यह गोल्डन कलर का शहद है, ये नीम का शहद है, ये जो है मल्टी फ्लावर का शहद है,
और ये जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाइल्ड फॉरेस्ट का शहद है। ये जो है अलग अलग तरह के फूलों का शहद हमने निकाला है, अलग अलग तरह के फूलों पे मक्खियों को माइग्रेट करके, और ये सीधा सीधा हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं कुरियर के माध्यम से। जैसे हमारा एक पोर्टल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, वहाँ से सीधा जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हम कुरियर के माध्यम से आपको सीधा घर तक पहुँचा सकते हैं, और उसको ट्रैक करना भी बहुत आसान है। और हम यही कहना चाहेंगे आप सभी को कि आप मार्केट में जो चीज़ें उपलब्ध हैं लगभग नकली हैं, मिलावटी हैं, और असली शहद सिर्फ़ और सिर्फ किसान से ही मिलेगा। तो आप किसान से जुड़िए, किसान से खरीदिए, किसान का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो अंत में सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई मधुमक्खी पालक है जिसको आप जानते हो, विश्वसनीय है, तो आप उससे शहद खरीदिए, नहीं तो बेझिझक हमसे आप शहद खरीदिए। हम शुद्ध चीज़ें, शुद्ध शहद आप तक पहुंचाते हैं, और अलग अलग रंग का शहद है क्योंकि वो अलग अलग फूलों से लिया गया है, जो कि मार्केट में आपको कभी नहीं मिल पाएगा। आपके बच्चों की सेहत बनेगी, आपकी सेहत बनेगी, और आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो शहद जो है, शहद के अंदर 26 प्रकार के बाइफ्लोनर पाए जाते हैं। बाइफ्लोनर का मतलब है सीधा सीधा मेमोरी को बढ़ाते हैं। इसके अंदर 180 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और शहद का आप नियमित सेवन कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी कर सकते हैं। गर्मियों में शहद को ठंडी चीज़ों के साथ लेना चाहिए, जैसे ठंडे पानी में ले सकते हैं, या जूस में ले सकते हैं, या मिल्क शेक में ले सकते हैं, और सर्दियों में गर्म दूध या गर्म पानी में ले सकते हैं। इससे आपकी सेहत को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या है, एपच की समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर पैक्ड फूड खाना पसंद करते हैं लोग, जिससे उनको डाइजेशन में दिक्कत आती है, शरीर उसको पचा नहीं पाता, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सुबह उठकर सबसे पहले 2 चम्मच शहद की 1 गिलास पानी में, सर्दियों में गर्म पानी में, गर्मियों में ठंडे पानी में डाल के पीजिए, और आप 10 मिनट के अंदर ऊर्जा से भर जाएंगे, और आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपके जो शरीर से टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे से बाहर निकलेंगे, और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, और आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। विनय फोगाट का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। साथियों, अगर आपको एक अच्छा और एक गुणकारी शहद खरीदना है जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, तो आप इनकी वेबसाइट से या फिर जो डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है उस पर संपर्क करके और इनसे आप एक शुद्ध शहद खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर हमें उसका पता होगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो फोगाट साहब से पूछ के और एक सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।